Okay, good morning, all of you. Good Am I morning, audible? sir. Yes, sir. Am I audible? Okay, thank you. Okay, so yeah, all of you have drawn this diagram already with you or no? डायग्राम में Yes, कल sir. मैं बोला था, डायग्राम ड्रॉ करके रखना. ओके, तो हमको सेंटर ऑफ मास ढूंढना है. अच्छा, सेंटर ऑफ मास ढूंढना है. ऑल राइट. नो, यहाँ पे मास नहीं दिया है, बल्कि यू नो वी हैव बीन गिवन एरिया 5 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर ई शेप सेक्शन. दिस इज 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर. दिस इज 1 1 1 1 1. नाउ टेल मी, डोंट यू एग्री, जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका मास भी ज्यादा होगा. जिस पार्ट का एरिया ज्यादा होगा उसका मास भी ज्यादा होगा. ऑल ऑफ यू एग्री? ऑल ऑफ यू एग्री? अरे छोटा रेक्टेंगल बड़ा रेक्टेंगल, तो जो रेक्टेंगल बड़ा होगा उसका मास भी बड़ा होगा, जो रेक्टेंगल छोटा होगा उसका मास भी छोटा होगा. एग्री? यस सर. ओके, तो यू नो सबसे पहले ध्यान रखो हमारा जो प्रॉब्लम का. हाँ, सबसे पहले हमको सिलेक्ट करना होगा. क्या सिलेक्ट करना होगा मुझे बताओ. कल ही मैंने बताया कि वी हैव टू सिलेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल एंटायर फीचर इन. क्या सिलेक्ट करना होगा? वेरी फर्स्ट स्टेप, सिलेक्ट व्हाट? तो ओरिजिन ओरिजिन. लवली आंसर. हु वाज दैट? हु वाज सर, दैट? जीतू. जीतू, वेरी गुड. ये ओरिजिन हमने मान लिया, ये हमने एक्स एक्सिस मान लिया और ये हमने वाई एक्सिस मान लिया. ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस. सो दैट हमारा जो ये आएगा सेंटर ऑफ मास विल बी एट विथ रिस्पेक्ट टू दिस. सेकेंडली, इस बार हमको एक्स बार वाई बार दोनों ढूंढने हैं या सिर्फ एक ढूंढना है, यू नो उसके ऊपर डिपेंड करता है हाउ द फिगर इज. फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस और फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट वन एक्सिस. फॉर एग्जाम्पल, ऐसे फिगर, ऑल राइट, ऐसे फिगर जो होते हैं ना, दे आर सिमेट्रिकल अबाउट बोथ द एक्सिस. तो इसमें तो क्या होता है, डायरेक्टली सेंटर ऑफ मास. इसमें डायरेक्टली सेंटर ऑफ मास, इसमें भी डायरेक्टली सेंटर ऑफ मास. इसमें कुछ करना ही नहीं रहता है, सिमेट्रिकल फ्रॉम बोथ एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस. लेकिन सपोज ऐसा फिगर है, लेट अस सी फिगर इज ऑफ दिस टाइप, तो इट इज सिमेट्रिकल ओनली अबाउट दिस एक्सिस. अगर फिगर को मैं ऐसे कन्वर्ट कर दूं तो दिस फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस एक्सिस. तो रिमेंबर, सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री. एक बात ध्यान रखो, एक्स सेंटर ऑफ मास ऑलवेज लाइज वेयर? ऑन द एक्सिस ऑफ सिमेट्री. यहाँ पे डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास होगा, यहाँ पे डेफिनेटली सेंटर ऑफ मास होगा, यहाँ पे तो दोनों बाजू सेंटर ऑफ मास का मालूम है. तो दिस इज द सेंटर ऑफ मास. दिस इज फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस. दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस. दिस इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस. अपना फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट विच एक्सिस मुझे कोई बताएगा? आवर फिगर ई सर, शेप सेक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट विच एक्सिस? एक्स एक्स एक्सिस. एक्सिस. तो कैन यू ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री? दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री. सेंटर ऑफ मास विल डेफिनेटली लाई ऑन दिस लाइन. सेंटर ऑफ मास विल लाई ऑन दिस लाइन, विल लाई ऑन दिस लाइन. Tell me, this line is at what distance from our origin? Anybody can tell me at what distance from the origin? 2.5. Center of mass is at what distance from our origin? 2.5. 2.5 centimeter. That's the right answer. So here you can say, since the figure is symmetrical about x-axis, since the given figure is symmetrical about x-axis, therefore y bar कितना लिखूं? 2.5 सेंटीमीटर. 5 by 2, 5 by 2, that is 2.5 सेंटीमीटर. हमको क्या ढूंढना है? सिर्फ ढूंढना है व्हाट इज द एक्स डिस्टेंस. एक्स बार ढूंढना है हमको. व्हाट वी हैव टू सर्च इज एक्स बार, यानी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो ये दोनों मिल जाएगा तो इधर 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 पॉइंट होगा, उधर मार देंगे हम लोग सेंटर ऑफ मास. तो यहां पे लिख दो, वी हैव टू फाइंड एक्स बार. टेल मी, एक्स बार का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एम एक्स अपॉन सिग्मा एम. सिग्मा
सिग्मा यानी समेशन m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 ऐसा रहता है ना, बोलो। यस सर। ओके नाउ कैन आई राइट मास इज, बट मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, दैट इज डेंसिटी इनटू एरिया इनटू थिकनेस। इसकी थिकनेस जो भी होगी थ्रू आउट ई सेक्शन की थिकनेस इज सेम। देखो मास इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, mass is proportional to what, batao anybody? Density same, meter of the same material, height of the thickness is same, pura iska height samjho ye 1 cm thick hoga to throughout 1 cm thick hai ye, to mass is proportional to what? Area right, therefore tell me what will be x bar ka formula, kya change kar do, sigma mx ke badle kya likh sakta hu, mass ke badle area, what can I write? मास के बदले आई कैन राइट एरिया, तो नया फॉर्मूला बोलो। जीतू हुसैन, जीतू हुसैन क्या लिखूं? यहां तक कॉपी करो, यहां तक कॉपी करो, सर इसका क्वेश्चन क्या है? Question to find center of mass. Well, तुम नहीं थे mass? No sir. अच्छा कहाँ admission हो गया तुम्हारा? Sir KC में. अरे lovely, congratulations. मैं आज है ना आज की और कल की recording दोनों भेजता हूँ recording. हाँ. Yeah. Thank. बिल्कुल जरा एक बार remind कर देना था, कल तुमको message कर देते ना कि sir recording भेजिए तो मैं भेज देता था तुरंत. Yes sir. Okay, good good. College कब से start हो रही है, कुछ बताया उन्होंने? सर नो सर। ओके अभी कल तो ये न्यूज आई है कि 15 जनवरी तक वापस स्कूल कॉलेज बंद, 15th ऑफ जैन। हाँ यहाँ पे कॉपी कर लो, कॉपी कर लिया तो मैं मिटाऊं क्या अबाउट दिस? No, sir. Okay. अच्छा कल तुमको ये भी नहीं मालूम था कि ये आपको बनाना है, बाकी लोगों को मालूम था। हाँ हो गया? Yes, sir. Okay. Now इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, divide the given figure into standard, यू नो जो फिगर होते हैं ना रेक्टेंगल ट्रायंगल ये सब में सर्कल, तो यहाँ पे तो सब रेक्टेंगल ही है। देखिए दिस चॉइस कैन डिफर फ्रॉम स्टूडेंट टू स्टूडेंट, तो यहाँ पे ध्यान रखो मैं क्या कर रहा हूँ मालूम है, आई एम कॉलिंग दिस एरिया एज ए वन, दिस पूरा एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एरिया है ना, इसको मैंने ए वन मान लिया, इसको मैंने A2 मान लिया, इसको मैंने A3 मान लिया, और इसको A4 मान लिया, A1, A2, A3, A4, A1, A2, A3, A4, ऐसे चार एरिया में हमने डिवाइड कर दिया। इज दिस क्लियर? मतलब यहाँ पे टेबल में हम लोग A1, A2, A3, A4 चार बनाने पड़ेंगे हमको। ओके सेकेंडली मुझे बताओ सेंटर ऑफ मास ऑफ हर एक का एरिया कहाँ है? This is center of mass C1. इसका center of mass यहाँ किधर होगा? C2. इसका center of mass यहाँ पे होगा C3. यहाँ पे इसका center of mass होगा C4. Three में और फिर agree? ये C1 होगा इस area का center of mass यहाँ पे. इस area का center of mass यहाँ पे center. यहाँ पे इसका center of mass यहाँ पे इसका center of mass. Still me agree all of you? Or no? Yes, sir. ओके अब ना मुझे एक बार बताओ, मैं अलग से फिगर बनाता हूँ, हु विल टेल मी द आंसर? सपोज दिस इज y एक्सिस एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर सपोज देयर इज अ रेक्टेंगल ऑफ 8 सेंटीमीटर ये और ये 3 सेंटीमीटर, एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट विल बी x बार ऑफ दिस फ्रॉम y एक्सिस? x बार कितना होगा इसका? x बार ये इसका सेंटर ऑफ मास है, आई वांट x बार ऑफ दिस पर्टिकुलर rectangle from y axis. Anybody? From y axis, ये distance हमको बताइए, ये distance आधा आठ का आधा चार,
बट वाई एक्सिस से एक्स बार हमको हमेशा वाई एक्सिस से लेना है. Who can tell me? Oral, हाँ क्या क्या बोलो बोलो राइट बोलो जीतू जीतू आफिफ. अरे एक्स डिस्टेंस कितना होगा इसके सेंटर ऑफ मास का ये पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितना होगा? 4+5. हाँ कितना? 5. 4+5. 5. ओके अब वन मोर थिंग आई एम टेलिंग सपोज ये यहाँ से यहाँ तक है 4+5. एक मिनट ये सपोज है लेट्स से 2 सेंटीमीटर. अब मुझे बताओ इसका एक्स बार क्या है और वाई बार क्या है? ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है. रिमेम्बर एक्स बार विल बी दिस डिस्टेंस बेटा ये एक्स बार होगा यहां से यहां तक दिस विल बी एक्स बार यहां से यहां तक. Who said 9? 9 कौन बोला? Hussain. Hussain 9 is the right answer. 5+ ये इतना plus इसका आधा 8 का आधा कितना 4. So this will become 9 centimeter. What about y bar? ये यहाँ से यहाँ तक का 2 centimeter है. Y bar कितना होगा? Y bar is distance from x-axis. 3.5. 3.5. Lovely answer. 2+3/2. That is 2+1.5 यानी कि 3.5. लेकिन ये कॉपी मत करो ये मैंने जस्ट इलस्ट्रेशन यहाँ पे काम आएगा इसके लिए मैंने किया है इसे मैं मिटा देता हूं. ओके अब मुझे टेबल बनाना है. अब मुझे टेबल बनाना है सीरियल नंबर मैं ब्लैक से बनाता हूं. सीरियल नंबर एरिया एक्स डिस्टेंस वाई डिस्टेंस तो ढूंढना नहीं क्योंकि सिमेट्रिकल ए इंटू एक्स सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4 चार एरिया है ना. ओके यहां पे सिग्मा और ये डैश मार रहे हैं. ए वन के बदले कितना लिखूं? ओरली बोलो ओरली ये एरिया है वन ये है इतना कितना लिखो ए वन एरिया वन कितना लिखो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑफ हाइट 5 एंड विथ 1. अरे बोल ना यार. हाँ 5 एंड व्हाट अबाउट ए टू Area 2. Area 3. ये 1 है और ये भी 1 है तो 1. Area 4. 2. 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके अब x डिस्टेंस सोच सोच के बताना. देखो ये डिस्टेंस है ये है x1. प्लीज रिमेम्बर दिस डिस्टेंस विल बी x1 दिस डिस्टेंस विल बी x2 दिस डिस्टेंस विल बी x3 एंड दिस डिस्टेंस विल बी x4. अब आराम से सोच के बताओ x2 कितना x1 कितना लिखो x1 कितना लिखो x1 ये देखो सेंटर ऑफ मास हाँ कितना 0.5 is the right answer. What about x2? x2 इसका सेंटर है सीटू का सेंटर इधर है और हमको मेजर यहां से कर रहे हैं कितना लिखो 2 is the right answer. Who said 2? Vidhi, you are saying? Prisha. Or Prisha? Prisha, lovely. Very good, Prisha. Okay. What about A3? X3 kitna hoga? Dekho, X3 yahan se start kar rahe hai aur yahan tak jana hai. C3 tak. 1.5. Okay.
What about x4? Two. So 5 to 0.5 is 2.5. 2 into 2 is 4. 1.5 into 1.5, 1.5. Do duni char. Char char art. Do this gara ring bar. Therefore, x bar will be sigma ax upon sigma a. That is 12 upon 10. That is equal to 1.2 centimeter. अब है ना बुक का आंसर देखोगे तो बोलेगा सर आपका आंसर रॉन्ग लगता है क्योंकि बुक में 0.7 लिखा है. बुक में आंसर देखो एक्स बार का कितना आया है अपना. अगर आप चलो ठीक है जाने दो बुक तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक में से कॉपी किया. हाँ तुम लोगों ने कहाँ से कॉपी किया ये प्रॉब्लम? ये प्रॉब्लम टारगेट से कॉपी किया ना. हेलो हेलो कहां से कॉपी किया आपने? कॉपी कहां से किया तुमने डायग्राम? पेज 140 से ना. पेज 140 ना. तो पेज 146. पेज 146. ओके फ्रॉम द नोट्स ना अपने नोट्स से उसमें प्रिंटेड नोट्स में से ना. यस सर. ओके उधर देखो आंसर क्या लिखा है. व्हाट इज द आंसर गिवन बाय देम सॉल्यूशन करके? 7 सेंटीमीटर. हमारा क्या आ रहा है? हमारा आ रहा है 1.2 सेंटीमीटर. तो दिस इज राइट और रॉन्ग? लेट मी टेल यू दे आर आल्सो राइट वी आर आल्सो राइट. उन लोगों ने है ना जो डिस्टेंस मेजर किया वो यहां से मेजर किया है. मैं बताता हूं डिस्टेंस मेजर उन लोगों ने यहां से किया है यहां से. तो यहां से ऑब्वियसली हमारा आंसर 1.2 आ रहा है. अगर 0.5 कम करेंगे उसको तो ये आंसर होगा 0.7. तो उन लोगों ने आंसर उनका भी राइट है अपना भी राइट है. डिस्टेंस फ्रॉम विच इट इज मेजर्ड इज डिफरेंट. एक बार रूलर मार दो इसको कि समझ में आ गया. आई थिंक कृष्णा ने मस्त आंसर दिए 1 2 3 4. बाकी लोगों को ये समझ में आया कि नहीं आया वो सबसे बड़ी बात है. ये 0.5 to 1.5 to ये समझ में आया कि नहीं आया प्यारे बच्चों? डियर स्टूडेंट्स कोई बोलता ही नहीं है. अरे जीतू ये समझा क्या? जीतू अफीफ? नो सर. अफीफ तुमको भी नहीं समझा ये 0.5 to 1.5 to? हाँ सर आई एम हैविंग वाईफाई प्रॉब्लम सर. आई एम नॉट एबल टू सी द बोर्ड. यू आर नॉट एबल टू सी द बोर्ड. विधि आपको समझा ये? हाँ तुम मेरे को बोलो ना नहीं समझ में आया तो ना बोलो बच्चों. देखो मैं क्या करता हूँ अभी इसको इसको मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ सिंपल कर देता हूँ डायग्राम. लेकिन इतना पक्का पता चल गया कि प्रिशा हैज अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल. आई एम टेलिंग यू नॉट ओनली वेल वेरी वेल. देखो ये था मेरा A1. ये पूरा A1 का C1 यहां पे है. फिर भी बोलो एग्री. एरिया 1 का सेंटर 1 यहां पे है बोलो यस और नो. यस सर. यस आई वांट एग्जिस्टेंस. तो कह रहे थे दिस इज व्हाट इज एग्जिस्टेंस. खाली इतना सा एग्जिस्टेंस है ये x1 x सिर्फ इतना है. मुझे बताओ यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कितना दिया है? 1 सेंटीमीटर दिया है. ये 1 सेंटीमीटर है ना देखो ये. तो ये C1 कितना होगा? X1 कितना होगा? X1 हाफ ऑफ 1. एक मिनट जीतू. यस सर. हाफ ऑफ 1 दैट इज 0.5. विधि विधि यस अंडरस्टूड. माज
ओम हुसैन हुसैन अरे हुसैन दागिना वाला हुसैन अरे देर और नो अरे हुसैन भी भाग गया हुसैन ग्रुप छोड़ के भाग गया चिल्ला जैसे ओम भाग जाता था ओम ओम अरे ओम यस सर समझ में है कि नहीं आया यस हुसैन तो भाग ही गया यार हुसैन इज रन अवे फ्रॉम द सीन ओके ये हो गया एक्स वन नाउ कम टू दिस इज व्हाट इज सी टू एंड दिस डिस्टेंस इज एक्स टू तो एक्स टू पहले तो ये देखो ये कितना दो है ना तो ये दो का आधा एक दिस डिस्टेंस इज वन सेंटीमीटर और हमको वाई एक्सिस से मेजर करना है तो वन प्लस वन दैट इज टू और सिमिलरली इवन दिस इज लाइक दिस ओनली क्योंकि ये सिमिलर है ये ए फोर था तो दिस विल बी एक्स फोर एक्स फोर विल ऑल्सो बी वन प्लस हाफ ऑफ टू विच इज वन तो वन प्लस वन इज टू यहाँ पे दिस इज वॉट इज सी थ्री ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का हाफ ऑफ टू दैट इज 0.5 सेंटीमीटर तो फ्रॉम वाई एक्सिस कितना होगा फ्रॉम वाई एक्सिस डिस्टेंस कितना होगा वन प्लस हाफ ऑफ वन दैट इज 0.5 किधर गायब हो गया था हुसैन दागीना हुसैन दागीना वापस भाग जाएगा क्या हुसैन अरे किधर गायब हो गया था क्या नेटवर्क कनेक्शन अच्छा ये समझ में आया कि नहीं आया ये पार्ट भी इम्पोर्टेंट है ये पार्ट समझ में आया कि नहीं I didn't understand that which one C3 okay I'll explain C3 separately एकदम अलग से बनाऊंगा C3 देखो ये अपनी y एक्सिस है right ये अपनी x एक्सिस है अब सुनो ध्यान से यहां पे अपना A3 है दिस इज व्हाट इज A3 वन सेंटीमीटर वन सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस भी वन सेंटीमीटर है दिस इज व्हाट इज C3 तो दिस इज X3 फिर में X3 कितना आएगा मुझे बताओ ये देखो ये है ना ये मैंने यहां प्लॉट किया ये मैंने यहाँ प्लॉट किया मैं सिर्फ C3 पे कॉन्सेंट्रेट किया कितना डिस्टेंस आएगा C3 का X3 का डिस्टेंस कितना आएगा 1 प्लस हाफ ऑफ 1 ये कितना होगा 1.5 हाफ ऑफ 1 0.5 ना इसलिए 1.5 हुसैन क्लियर है कि नहीं अभी भी yes, पक्का 100% यस सर ओके ये कॉपी कर लिया आपने कॉपी कर लिया yes, sir. तो सेंटर ऑफ मास देखो ये 1 सेंटीमीटर था ना तो इस बार इज 1.2 1.2 क्या ने थोड़ा सा इसके आगे ये दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये और ये तो दिस इज व्हाट इज सेंटर ऑफ मास एक्स बार सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास equal to x bar comma y bar and that is x bar is 1.2 comma 2.5 centimeter as per our origin हमारी origin के हिसाब से is this clear to everyone प्यारे बच्चों ओके मिटा दूं इसको मिटा दूं कि नहीं व्हाट आई एम अमेज्ड दिस प्रिशा इज गिविंग रियली वंडरफुल आंसर्स
प्रिशा लेकिन आप है ना अभी लिखना भी चालू करो, टेस्ट में अच्छे अच्छे मार्क्स लाओ प्रिशा। ओके अच्छा मिटाऊं इसको, मिटाऊं कि नहीं? अरे हाँ या ना। अभी मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, यही प्रॉब्लम होमवर्क, लेकिन मैं एरियाज बदल रहा हूँ। ये है ना खाली आपको पूरा डायग्राम नहीं बना रहा हूँ मैं, खाली एरियाज बदल के देता हूँ। देखो क्या करो मालूम है, इसको एरिया वन लो, इसको एरिया टू लो, इसको एरिया थ्री लो, इसको एरिया फोर लो और इसको एरिया फाइव लो और करके बताओ। इसको होमवर्क रखो, ऐसे खाली छोटा सा फिगर बनाओ। एवरीबडी हैज टू डू दिस। क्या होगा, एक और प्रॉब्लम हो जाएगा प्रैक्टिस के लिए, और आपको पता चलेगा कि कोई भी एक तरह से एरिया डिवाइड करो, आंसर विल रिमेन द सेम, फाइनल आंसर विल रिमेन द सेम। 1.2 एंड 2.5 तो स्टार्ट भी मिल जाते हैं, बाकी आंसर भी सेम रहेंगे। हाँ लेकिन x1 x2 x3 x4 x5 विल बी डिफरेंट। अपने आंसर ये तो चार ही था इधर एरिया, अपन ने पांच एरिया किया आपकी बार। ये होमवर्क करना कंपलसरी है आपको। लास्ट टाइम मेरे को किसी ने भेजा नहीं, वो मैंने बोला था वो डायग्राम पेज 70 से कॉपी करके भेजना है मेरे को। हेलो किसी ने नहीं भेजा ना मेरे को? हेलो एवरीबडी बाय टुडे इवनिंग एवरीवन हैज टू डू दैट बिकॉज दोज वैल्यूज हैव टू बी लर्न बाय हार्ट। ओके ये हो गया, एक होमवर्क लिखो। ये होमवर्क सेम डायमेंशन लेकिन एरिया इस तरह से डिवाइड करना है, फाइनल आंसर विल कम द सेम। सो द वैल्यू इज सेम 5 सेंटीमीटर। एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली सेम। ये 5, ये 3, ये 1, ये 1, ये 1, पूरा एग्जैक्टली सेम। ये भी 1 1 1 सब जगह जो है वही। ये 2, ये 2, ये विड्थ 2 है और ये 1 है, लेकिन डिवाइड ऐसे करना है। क्या है मालूम है, आपको एक ध्यान रखो कि सेम प्रॉब्लम आने वाला नहीं है, सब चेंज करके। अभी इस प्रॉब्लम को मैं ऐसे भी रख सकता हूँ, ऐसे करो, यही फिगर इस तरह से ड्रॉ करके। इस बार क्या निकलना होगा मुझे बताओ, व्हाट इज नोन टू मी, दिस इज एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब की बार क्या ढूंढना होगा मुझे बताओ, वाई बार ढूंढना होगा। ये भी होमवर्क लो, यू हैव टू गेट वाई बार इन दिस केस। वाई बार का आंसर 1.2 आएगा, एक्स बार नहीं आएगा, वाई बार आएगा। सेम टू सेम डायग्राम होमवर्क लो। ये खाली ऐसे बना दो रफली, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव टू डू। यू नो जितना आप मेहनत करेंगे ना उतना यू नो यू विल एंजॉय स्टडीज। अब इसको बर्डन की तरह मत लो, इंटरेस्ट की तरह से लो कि अरे हाँ सर ने ऐसा किया तो क्या होगा, लेट्स सी। एक और प्रॉब्लम देता हूँ होमवर्क के लिए, एकदम इजी प्रॉब्लम है लो। ये 5, ये 3, ये 2, राइट ये 3 है, ये 1 और ये 2। इसमें हमको एक बार ढूंढना है कि वाई बार ढूंढना है खाली, दिस इज द फिगर, कि दोनों ढूंढने है इसमें, इस बार वाई बार दोनों ढूंढने है कि खाली एक बार ढूंढना है इस फिगर में, दोनों ढूंढना है क्या? Both we have to decide because this is not symmetrical. It is neither symmetrical about x axis nor about y. इसमें x bar और y bar दोनों ढूंढना है। आज आपको ये सब problem solve करके मुझे भेजना पड़ेगा compulsorily। और मुझे question पूछते जाओ, कोई भी ऐसा मत सोचो बाकी लोगों ने समझ लिया तो मैं क्यों पूछूं बिना बात। Question पूछो, understand then only you get satisfied। बाकी लोग satisfied होंगे तो भी तुम लोग question पूछो, नहीं आया नहीं समझ में आया तो। इसको मिटा दूं, ये होमवर्क लिया आपने, ये होमवर्क लिया? यस सर। ओके तो मैं मिटा रहा हूं अभी। अगला क्यूब वाला प्रॉब्लम जो बोला था ना ड्रॉ करके रखो, विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम एंड एवरीबॉडी हैज टू डू दिस होमवर्क बाय टुडे इवनिंग। अभी थोड़ा सीरियस हो जाओ, कॉलेज खुलने की तैयारी लग रही है मेरे को, एंड देन वी हैव टू रियली
अप्लाई फुल फोर्स, और तुम लोगों को फोर्स क्या है मतलब, फोर्स हैज टू बी फ्रॉम बोथ द साइड। हम लोग काम नहीं करेंगे, तुम लोग काम करोगे तो भी रिजल्ट नहीं आएगा। हम अकेले काम करेंगे, तुम लोग मतलब उल्टे दोनों काम करेंगे तो ही रिजल्ट आएगा बेसिकली। चलो डायग्राम बनाओ, डायग्राम तुम लोगों ने बनाया है योगा, मुझे बनाना है और मास को बनाना है। मास फटाफट बनाओ, these are cubes, this is 10 by 10 by 10, sorry, what is the first thing I should do? What is the first thing I should do? ये चार क्यूब है देखो, 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, फिर उसके बाजू में 20 20 20 30 30 30 40 40 40 टच साइड बाय साइड। तो हमको इसका कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। टेल मी इज द फिगर सिमेट्रिकल और नॉट, बोलो इज द फिगर सिमेट्रिकल और नॉट, यस नो, फिगर सिमेट्रिकल है कि नहीं है? Oh, sir. No, not at all. We have to find both x bar and y bar. First, सबसे पहला काम क्या है हमको? Origin, x axis, y axis. Tell me, cube के पास length होती है, area होता है या volume होता है? Sir, volume. Volume होता है. Tell me, what is the x bar का formula? Sigma mx upon sigma m. y bar का फॉर्मूला सिग्मा एम वाई अपॉन सिग्मा एम, बट हियर मास इज व्हाट, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। दिस थ्री क्यूब्स आर मेड अप, ऑल फोर क्यूब्स आर मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल, सो डेंसिटी मस्ट बी सेम, तो मास पर प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टेल मी, वॉल्यूम। वॉल्यूम, दैट्स लवली। देयरफॉर व्हाट विल बी x bar का फॉर्मूला, व्हाट विल बी चेंज इन x bar का फॉर्मूला, बोलो सर? सिग्मा वी एक्स अपॉन सिग्मा वी। लवली 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 आंसर, एंड दिस इज सिग्मा वी वाई अपॉन सिग्मा वी। हाउ मेनी क्यूब्स आर देयर टोटल? फोर क्यूब्स आर देयर। सो हम लोग क्या करेंगे, सीरियल नंबर देन वॉल्यूम देन एक्स डिस्टेंस वाई डिस्टेंस Vx, Vy, हाँ इसमें कितना बताऊं, कितने हैं ये बताऊं, सीरियल नंबर 1 2 3 4, x और y को डैश मार दो, टेन इंटू टेन इंटू टेन, थोड़ी देर वॉल्यूम, फर्स्ट का वॉल्यूम कितना हो गया बोलो,
Can I say volume will be 10 × 100 × 20 × 30 × 40 × 40 × 40 × 40 मैंने ऐसे लिख दिया मुझे अपने आप विद मुझे श्योर है पेशा विल राइट द करेक्ट आंसर बट आई वांट अदर्स टू फिल अप दिस एक्स एंड वाई डिस्टेंसेस वी कैन रिमेंबर एक्स डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस एंड वाई डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस ये है C1 ये देखो ये है C1 ये है C2 ये है C3 और ये C4 10 cube plus 20 cube plus 30 cube plus 40 cube. That is equal to 10 cube plus 8 × 10 cube plus 27 × 10 cube plus 64 × 10 cube. Yeah, idea add karne ka. 8 + 27 + 64 ये डायरेक्ट आंसर लिखने का एक तरीका है बाकी सब लोग क्या करेंगे बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशन करेंगे ऐड करेंगे हाँ वो क्या भूल गया मैं वन लिखना भूल गया दैट इज इक्वल टू 10 to 5 हाँ ये जरा बताओ ना एक्स मुझे टाइम की समय की कमी लग रही है एक मिनट बचा है एक्स डिस्टेंस कितना है परीक्षा को छोड़ के कोई बताएगा एक्स डिस्टेंस कितना है दिस इज व्हाट इज एक्स वन एंड दिस इज व्हाट इज वाई वन अब मुझे बताओ बोलिए एक्स वन ये 10 है तो एक्स वन इज 5 वाई वन इज ऑल्सो 5 व्हाट अबाउट एक्स टू एक्स टू एक्स टू एटलीस्ट वन It is one student. 10. Huh? 10. ये देखो यहाँ से यहाँ तक है ये 10. यहाँ से यहाँ तक है ये 20. यहाँ से यहाँ तक है ये 30. यहाँ से यहाँ तक है ये 40. अब मुझे बताओ, what is x2? Distance from y-axis. अब मुझे बोलो. Yes, that's the answer. 10 plus 10, 20. What about X3? X3? X3 देखो यहां से यहां तक है. क्या 45? 45. Yeah, 45. What about X4? क्योंकि